गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दून अकेडमी ऑफ डिफेंस। आज हम लोग जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जनरल स्टडीज का, वो है शॉर्ट ट्रिक्स, जो कि होगा टारगेट 2022 फॉर एनडीए एग्जाम्स एंड फॉर एमएनएस एग्जाम्स एज वेल। ओके, तो देखते हैं हमारी सबसे पहली शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जो बहुत से कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि सर सीक्वेंस कैसे बनाएं 10 सिख गुरुज का। ठीक है ना, पहले सिख गुरु कौन से थे, दूसरे कौन से थे, तीसरे कौन से थे, या कभी कभी एग्जामिनर आपसे नाइन्थ पूछ लेता है अचानक से, तो वो कैसे याद रखना है, उसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्मेट रेडी करा है। यहाँ पे देखिए, न अंग अमर है राम अर्जुन का, हर को हरा हर की ते गो। अगर आपको ये एक लाइन याद हो जाती है, थोड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, एक दो बार याद करोगे तो आपको 10 के 10 सिख गुरु याद होंगे। न अंग अमर है राम अर्जुन का, हर गो हरा हर की ते गो। स्टार्टिंग विद न, न का मतलब हो जाएगा देखो गुरु नानक देव, जो कि सिख कम्युनिटी के पहले गुरु थे और सिखिज्म के फाउंडर थे। इनका जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ था और सिखिज्म को प्रमोट करा था सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने। ओके, देन अनदर नंबर टू, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास एंड गुरु रामदास। गुरु रामदास सिख कम्युनिटी के फोर्थ गुरु हैं और माना जाता है जो अमृतसर सिटी है वो इन्होंने ही स्थापित करवाया था। ओके, देन गुरु अर्जन देव, अर्जन देव अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी जो अकाल तख्त का निर्माण होता है वो अर्जन देव करवाते हैं। ओके, देन फिर आगे बढ़ते हैं, का को हमें ऑमिट करना है, का से हमें कोई मतलब नहीं है। हर गो, गुरु हर गोविंद, देन हरा गुरु हर राय, हर की हर किशन, ते स्टैंड फॉर गुरु तेग बहादुर, सिख कम्युनिटी के नाइन्थ गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। माना जाता है कि गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट कराया था औरंगजेब ने, ठीक है ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इस्लामिक रिलीजन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। एंड गो स्टैंड्स फॉर गुरु गोविंद सिंह, ये 10th गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करवाई थी। अब इन 10 सिख गुरुज को आप कैसे याद रख सकते हो, उस फॉर्मेट के लिए देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब एग्जामिनर आपसे चाहे 6th पूछ ले अचानक से, चाहे 7th पूछ ले, चाहे 10th पूछ ले, आपको सीक्वेंस याद रहेगा अगर ये लाइन आपको याद होती है। तो उम्मीद है आपको पहली शॉर्टकट ट्रिक समझ में आई होगी। तो इस शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे आगे बढ़ेंगे। अब जो शॉर्टकट ट्रिक आप अगली देखोगे वो डिफेंस एग्जाम्स की नीड होती है, ठीक है, आपसे गवर्नर जनरल्स पूछे जाते हैं, वॉइस रॉयज आपसे पूछे जाते हैं।